पहुंच गए हैं रॉक गार्डन। हमें टिकट परचेज कर ली यहाँ की, टिकट हमने लिया रॉक गार्डन की, 30 रुपए की टिकट है। रॉक गार्डन अब हम जा रहे हैं अंदर, 30 रुपए की टिकट है। एंटर इन द गार्डन। और ये हमारे भाई लोग वेट कर रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि हम पार्टी एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों आगे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय। लॉन्ग टिकट ले लिया है और एंजॉय करेंगे घंटे तक अंदर। गुड गुड। आओ सर, इधर क्या होगा? हिमांशु सर का अरेंजमेंट रहा है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है उन्होंने हर चीज का। आओ सर आओ, चाहे वो लिकर हो खाना हो। एंट्री इधर से, इधर से। तो एंट्री इधर से, आप वहाँ जा रहे हो? इधर से, सॉरी, वो टॉयलेट का रास्ता है, आप अगर बाहर आके फ्रेश होना है तो आप जा सकते हैं। ये रॉक गार्डन है, लेक के अंदर ये रॉक गार्डन है, जब ये पत्थर तो था ना। रॉक गार्डन में एंट्री कर लिया। देखो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है रॉक गार्डन का व्यू। हमारा राशिद भाई कहाँ है? राशिद भाई यार, फोटो बनती है सबकी। मटके लगा रखे हैं स्टाइल में, यहाँ मटके लगा रखे हैं, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है इस समय, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो बड़ी ताकत रही चो, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी दोस्तों बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। देखिए हम किस तरह पसीने में नहा चुके हैं पूरा, पर फिर भी मजा आ रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज है 4 सितंबर। यस आप भी कुछ बता दो सर। आप बता रहे हो Yes. अनुराग सर किधर चल रहे हैं? ओह माय गॉड, सर हमारे फोटोग्राफी करते हुए बिल्कुल हर एक खूबसूरती की फोटोग्राफी करते हुए जहाँ जहाँ उनको सुंदरता मिलती है, चाहे वो सुंदरता लड़की की हो, चाहे वो सुंदरता किसी भी चीज़ की हो, इन्होंने उसकी फोटोग्राफी ली है। चलो मैं जा रहे आगे, हम बढ़े हैं, हम दूसरे चैम्बर में एंटर करने वाले हैं, देखते हैं यहाँ क्या होगा। प्लीज वेयर मास्क ऑल द टाइम। दिस वे वी विल गो, दिस वे। व्हाट इज हियर दिस वे? Here it is nothing. No entry. This way. देखो आप इतनी छोटी छोटी सी कैनाल है, देखो आप कितनी यहाँ पे आपको रास्ता है। यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं भाई साहब, हमारे दो लोग एंजॉय कर रहे हैं। यस ब्रो, यो हनी सिंह, देखो कितनी अच्छी नक्काशी है। वो कितना प्यारा झरना आने वाला है अभी दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा झरना आने वाला है। देखो वाह 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 वाह, देखो आप झरना देख सकते हो, क्या प्यारा झरना। हाँ थोड़ा स्माइल कम कर रहे आप, गलत बात है, थोड़ा स्माइल ज्यादा करना चाहिए ना। दिस वे एंट्री बोर्ड लगा हुआ है, एंट्री करना है आपको। बहुत ही अमेजिंग है, गुफा आ गई, गुफा। देखो झरना आ गए, यहाँ पे भी हमारे दोस्त बैठे हैं। अगर आप स्केच पेंटिंग करना चाहो कितने रुपए की? सर 10 मिनट। सर है 10 मिनट। 10 मिनट कितनी देर? ओ कितना पैसा? 500 रुपीज में। अगर आपको स्केच पेंटिंग करानी है तो भाई साहब को कॉन्टेक्ट करें चंडीगढ़ रॉक गार्डन में। सुरेश कुमार, सुरेश जी हैं ये, बैठे हैं यहाँ पे। सब ने अच्छी अच्छी बना रखी है। बाहर ऐसे हमने सुखना लेक में दिखाया था आपको,
वैसा यहाँ पे लाइव स्केच 300 रुपीज राइट। यहाँ पे भी पहले नहीं था, लेकिन यहाँ पे नहीं था सर, 4 साल पहले मैं आया था तब नहीं था। हाँ। राइट कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं यहाँ मैं 4 साल पहले तब नहीं था सर। मैं 4 साल पहले यहीं अंदर रॉक गार्डन में होके गया हूँ, तब तो कोई नहीं था यहाँ पे। अच्छा किसी किसी ऐसा भी होता कि नहीं आते? हाँ वही कहूँ कि मैं 4 साल पहले यहाँ पे आया था, तो उनसे पहले तब यहाँ पे कोई भी नहीं था स्केच आर्टिस्ट। अब यहाँ पे आपको स्केच आर्टिस्ट आते हैं ऐसी जगह पे तो आपका पैसा वसूल है, आप जरूर स्केच बनवाइए इनके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमें स्केच बनाने की जरूरत नहीं है, हम खुद यहाँ पद में स्केच है। देखो यहाँ पे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं अपनी, ओ देख के चले। आगे रास्ता बहुत कम हो जाता है और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप हो सकते हैं यहाँ पे सब फोटो खिंचाते हुए। ठीक है ये हमारे बॉस खड़े हैं वहाँ पे, देखो ये हमारी सारी कंपनी के लोग हैं जो हमारे साथी हैं, सब यहाँ पे हैं, देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। आइए मिलाते हैं सबसे, आप सबसे। यस बॉस, सब भीड़ बहुत है यहाँ पे क्योंकि यहाँ झरना बह रहा है। ठीक है सब मजे ले रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे बॉस हैं, एंजॉय करें। सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है हिमांशु, थैंक यू सो मच जो तुम मुझे यहाँ लेके आए, मिस कर जा रहा है। तो मैंने आपको वही जैसा चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बहुत बढ़िया है, अरे वाह झरना एकदम, आप झरने की फील ले सकते हो, आप नहा सकते हो झरने के अंदर। ये सर देखो फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे, फोटोग्राफर आ गए हमारे, फोटोग्राफर ये हमारे फोटोग्राफर हैं राशिद अली जी। राशिद अली कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है और बहुत शानदार फोटो आ रहे हैं, बहुत अच्छा होने वाला एक्सपीरियंस। अरे क्या बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग आके भटक जाते हैं, उनको उधर जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। कोई बोर्ड होना चाहिए यहाँ पे दिसवे का, लेकिन यहाँ पे कोई दिसवे का बोर्ड नहीं है तो लोग भटक गए हैं। वो देख रहे हैं कि इनको आगे कहाँ जाना है। ठीक है उसको एक्चुअली में हम जाना चाहते हैं उस पुल के ऊपर जो आप देख सकते हो उधर, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। ये कुछ लोगों से पूछो पूछो किधर से रास्ता है, कंफर्म कर लिया कि उधर जाने का रास्ता किधर है, उधर जाने का रास्ता उधर से है। हमारे कुछ भाई बंधु उधर ही खड़े हैं ऑलरेडी। ठीक है काफ़ी पब्लिक है आज, संडे है 4 सितंबर का दिन है आज 2022। ठीक है और हमारे अनुभव भाई कहाँ से रास्ता है भाई, आर यू श्योर? ये हाँ हाँ देखो देखिए देखो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे दिसवे का। आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं एक ही प्लेस पे, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कीजिए ताकि हम कम हम तो देखो आपकी तरह नहीं है, हम इंजॉय करते हैं प्लेस को, हमें पूरा इंजॉयमेंट लेना झरने का हर जगह का, हमें ब्लॉग लगाना है लोगों को दिखाना है कि हम कहाँ पे आए हैं, कम टाइम लगेगा। श्योर 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 हम आप दोस्तों अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे की जो झलकियाँ हैं देखते हैं आगे क्या है। दरवाजा है यहाँ पे, सीक्रेट दरवाजा है, देखते हैं कोई है कि नहीं है, कोई नहीं है। इधर लिखा है नो एंट्री, और तुम नो एंट्री पे खड़का रहे हो तो कैसे कोई आएगा? आप ही ने तो बोला था कि खड़खड़ाओ। मैं बोलूंगा कुएं में कूद जाओ तुम कूद जाओगे? हाँ बिल्कुल आपको लेके कूद जाएंगे ना, कुछ ब्लॉग भी साथ में जाएगा। देखिए लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितने मजे ले रहे हैं, कितनी मस्ती कर रहे हैं, आप भी ऐसी आई हमारे साथ मस्ती। कुछ नहीं बस गलत रॉन्ग एंट्री में घुस गए थे आप। मंदिर गुप्त एंट्री है वहाँ पे, वो ध्यान से चलना है यहाँ पे, देखो पानी झरने निकल रहा। आप भी देख के चलना है कहीं ब्लॉक के चक्कर में, कहीं ब्लॉक के चक्कर में नीचे गिरता हूँ, थोड़ा स्लिपी हो सकता है यहाँ पे। देख
अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ एग्जिट मारते हुए। हमने आपको ऑलरेडी झरना दिखा दिया, कुछ नक्काशी दिखा दी है, लोग यहाँ बैठ के फोटोग्राफी करते हुए। ओहो ये टूटे हुए पत्थर हैं यहाँ पे। किधर से? उधर भी रास्ता है, वो कहाँ से जा रहा है? सर कहाँ पे है ये? सर लोग आएंगे नहीं सर, क्यों नहीं? बहुत अच्छा है, कुछ सरप्राइज तो रखो उनके लिए। तो मैं सर आगे शूट किया सर, पूरा कहाँ शूट किया? अब मत करो शूट, बस मैं करूँ। बहुत अच्छा है, आप लोग आइए एंजॉय करेंगे, बहुत बहुत ही ये हमारे कुछ पंटर लोग यहाँ पे खड़े हैं। और वो देखो सबसे बड़ा पंटर, वो देखो सबसे बड़ा पंटर, इसको ज़्यादा इसको इसको ज़्यादा इसकी बुद्धि कहाँ आए बेचारों, इसकी इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसलिए वहाँ चले गए। वीर तुम बड़े चलो, जोर से चले बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी थको नहीं, तुम निदा डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो तुम ऊपर के चढ़ गए? अरे सर पूरा हमने वहाँ से एंट्री करी थी, वो झरना वापस आ गया अगेन और हम इधर से आ गए। जहाँ से हमने शुरू करा था अपना सर, ठीक वहीं पहुँच चुके हैं। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आ चुका है और इस कैब से होते हम वापस बाहर जाने वाले हैं। आइए केव आवे केव। हमारे दोस्तों को यहाँ पे खड़े हैं, तो आपका इंतजार कर रहे थे और आप लोग शायद पीछे रह गए थे। और यार हम पूरी ब्यूटी की फील ले रहे हैं ना एक्चुअली, तो हमें अपने दर्शकों को दिखाना है। जी जी देखिए आपने लोगों ने अपनी भावनाओं को यहाँ निकाला है, लिखा हुआ है। और ये अपने जो लवर लवर लवर्स हैं यहाँ के, उन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ है, बिल में लिखा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप यहाँ पर इस तरह का कुछ ना करें, ये इन ऐतिहासिक इमारतों को थोड़ा नुकसान पहुंचाता है। आइए ब्यूटीफुल जानना है। हाँ सर इसकी ब्लॉगिंग तो हो चुकी है ऑलरेडी, हम आपको एक नया मनुष्य दिखाते हैं। ये कैसा मस्तमा है साहब? देखिए आप इसे आर्टिफिशियल मत समझिएगा, नेचुरल है ये, इसको बोल सकते हैं। इस बंदे के हाथ कटवा दिए जाएं जिसने मुलतमा बनाया। यस यस बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप ढूंढेंगे कैसे? आप इसको कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ शुरू है कहाँ खत्म है, कौन सा खेत कहाँ से निकल रहा है, आप उसका नाम नहीं लगा पाएंगे। मजा ही आ गया, मजा ही। ये अपनी आपकी एक खूबसूरती है जो नेचुरल ब्यूटी की तरह दिखाई गई है पेड़ों के अंदर, ठीक है। ये चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है जैसे कि हमने बताया आज। ये भाई है हमारे यहाँ घूमने आए हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करें। आप बताओ कैसा लगा आपको रॉक गार्डन? ओ भाई यार आप नहीं है यार, कहाँ से हो आप? करनाल था भाई, करनाल। हम दिल्ली थे भाई। लोग कैसे फोटोग्राफी करा रहे हैं, अलग अलग पोज बना रहे हैं। ये देखिए ये एक्सरसाइज के रूप में फोटोग्राफी करा रहे हैं, चाहते हैं लेकिन यहाँ है नहीं फैसिलिटी। ये क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो यहाँ पे? हाँ जी बढ़िया। सर आपका मथुरा से देखिए कितनी दूर से यहाँ एंजॉय करने, कैसा लगा आपका रॉक गार्डन? अरे गजब है, गजब है। पहली बार आए हो आप? आप सब लोग ग्रुप में एक साथ है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो। आर्मी अभी तक अग्निवीर बनने वाले हैं। अग्निवीर है आप सबका फिजिक जो है बहुत अच्छा है। हाँ क्योंकि आपकी शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल जो आर्मी की तैयारी नहीं करते बिल्कुल ऐसे। शुभकामनाएं आपके साथ है, आप लोग लगे रहिए। धन्यवाद। और एक दिन हमारे देश की रक्षा करिए। जय हिंद जय हिंद। दोस्तों यहाँ पे आ गई है, नीचे जाने वाले हैं। अच्छा आपने बता दिया, मैं तो देखा ही नहीं था। छोटा सा गेट है नीचे मुंडी करके आना। देखिए यहाँ पे एक सरिया लगा है, तो आप जब यहाँ आते हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस चीज का, आपकी हाइट ज्यादा है तो आप टकरा भी सकते हैं। हाँ कहीं ऐसा ना हो कि आप बिना देखे चल दिए यहाँ से। देखिए आप बाहर आ चुके हैं पूरी तरह से, आप लोग हम बाहर आ चुके हैं।
और यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। क्या कह रहे हो आप? खूबसूरत बच्चे भी हैं, देखिए बच्चे भी फोटो खिंचा रहे हैं। और समझिए इसका मतलब आप फैमिली के साथ भी यहाँ के एंजॉय कर सकते हैं। जिंदगी बन गई, चार पार्ट होने चाहिए कम से कम। नहीं ये बनेंगे, ये नहीं, इसका हम रॉक गार्डन का हम बिल्कुल अलग बनाएंगे। इसका रॉक गार्डन का अलग ही बनाएंगे एपिसोड। हम रॉक गार्डन का हम ब्लॉग अलग बनाएंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? इसमें हम आपको पूरा रॉक गार्डन घुमाएंगे और यहाँ के फील दिखाएंगे। कीप द गार्डन क्लीन। क्या कह रहे सर? यहाँ पे आपको ये गोल गोल सीढ़ियाँ दिख रही हैं। हाँ। बेसिकली इसको लॉस्ट पॉइंट कहा जाता है कि अगर आप कपल्स हैं, आप किसी अपने अजीज के साथ आए तो आप एंजॉय बैठ के फोटो खिंचवा सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इधर से चल रहे हैं, नहीं दिस वे, दिस वे, दिस वे, दिस वे, दिस वे, यहाँ पे इन सीढ़ियों को चढ़ना होगा। मोदी ट्रेवलर्स चैनल का नाम है। कौन सा? मोदी ट्रेवलर्स। अरे बिल्कुल सर, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब जो करना। देखो आप यहाँ रॉक गार्डन में, मतलब मुझे लगता है 30 रुपए की जो टिकट है वो फुली वर्थ है, क्योंकि आपको यहाँ पे रॉक गार्डन के अंदर खाली झरने नहीं दिख रहे, आपको यहाँ पे खाली 30 रुपए के अंदर रॉक्स दिख रही हैं, डॉल म्यूजियम मिल रहा है, एक्वेरियम मिल रहा है, ठीक है, और अलग अलग तरीके की नक्काशी करते हुए सब रॉक्स मिल रहे हैं। ये देखो आप, बहुत अच्छा, मतलब मतलब वर्थ है चंडीगढ़ में अगर आपको घूमने के लिए यहाँ आना है तो। एक्सपीरियंस है बहुत ही शानदार हुआ, ठीक है। ये सब डॉल से बनाया हुआ, डॉल्स। देखो अब हम वापस बाहर की तरफ निकल रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त एग्जिट किए हुए हमारी भी। लगा था कि हम एग्जिट कर रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ और चीजें यहाँ से। ओहो हो, देखो कुआ, कुआ बनाया गया है, ठीक है, कुआ है, कैसे उससे पानी निकाला जाता है, देखिए घड़ा है, ये सब डॉल से बना हुआ है। आप आओगे तो फुली एंजॉय करोगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे, देखिए बैंड बाजे का भी इंतजाम है, बैंड बाजे का भी है, सब है यहाँ पे। तो देखिए शादी हो रही है, यहाँ पे दूल्हा है। वाह, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। डोली जा रही है, डोली जो आपने डोली में देखा होगा, सुना होगा, पुराने समय डोली यूज होती थी, वो डोली है। ये भी सब डॉल से बना हुआ है। ये सब कुछ आपको हैंड क्राफ्टेड है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा, मतलब वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब अगर आपको आसपास चंडीगढ़ घूमना है तो आप आराम से यहाँ पे आके घूम सकते हो चंडीगढ़। क्यों अनुराग? बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप आइए और एंजॉय कीजिए, बहुत ही आपको एंजॉयिंग फील होगा यहाँ पर, और स्ट्रेस जो भी आपकी रिलीज होगी। देखिए आपकी आस्था के लिए यहाँ पे ऋषि मुनि भी बैठे हैं जो तपस्या कर रहे हैं, और ये इनके अनुयायी हैं, इनके साथ में ये मेन ऋषि हैं, और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा सीन है। और देखिए शायद वहाँ पे एक टेंपल है जो कोई एक लोकल वहाँ के गॉड्स हैं उनको दिखाया गया है उस टेंपल के अंदर। ये मेरे हिसाब से एक शायद ऐसा कल्चर राजस्थान में है, राजस्थान के जो पुराने गाँव हैं, बीहड़ हैं, वहाँ पे शायद इस तरह के लोग हैं, और उसको यहाँ पे पूरा दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे बैन है, कुछ हल चलाते हुए किसान है, ये मामा है, और ये बैन हम चला रहा है। यस यस यस, फार्मिंग हो रही है। यस यस, नॉट इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, फॉरनर्स पीपल आर आल्सो देयर। सर, सो व्हिच कंट्री यू आर फ्रॉम? जर्मनी में है। जर्मनी, दैट्स ग्रेट। सो यू आर एंजॉयिंग चंडीगढ़? नॉट ओनली चंडीगढ़। ओनली चंडीगढ़? नो, नॉट ओनली चंडीगढ़। व्हिच प्लेसेस यू हैव बीन इन इंडिया? ऑल ओवर। ऑल ओवर, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हाउ डू यू रेट दिस रॉक गार्डन? वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स अ जेन्युइन फीडबैक दैट वी हैव। अ व्लॉग चैनल नेम मोदी ट्रैवलर्स, ओके। सो मे योर गुड नेम सर? मार्टिन। So that's great. Nice to meet you. Nice to meet you, sir. Please enjoy.
यहाँ पे लोग कुछ झूले झूले भी बने हुए हैं और लोग झूले झूल रहे हैं यहाँ पे। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे पूरे दिन का स्पेंड है यहाँ पे अगर आप इंजॉय करना चाहो। लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि यहाँ पे आप शाम को आओ, ठीक है। अगर आप शाम को आओगे ना तो आपको थोड़ा धूप टेम्परेचर नॉर्मल मिलेगा और आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे हर एक जगह को। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस समय ना गर्मी बहुत है चंडीगढ़ के अंदर, गर्मी बहुत है, धूप बहुत तेज, धूप बहुत तेज हो रखी है। इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे आओ, एंजॉय करो, झूले झूलो, जन्नत देखो, ठीक है, म्यूजियम देखो। यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ आपको जो नहीं मिलेगी। रिटर्न का रास्ता तो हमने ऑलरेडी आपको दिखाई दिया है, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। रॉक गार्डन हम आपको पूरा दिखा चुके हैं, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। और इतने दिन किसको चैनल को ना भूलना, घंटी दबाना ना भूलना। मूडी ट्रैवलर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। क्या बोला सर? मूडी ट्रैवलर्स, मूडी ट्रैवलर्स को लाइक, मूडी ट्रैवलर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। बस चलो अब एंड करते हैं इसको। रॉक गार्डन हम आपको ऑलरेडी पूरा दिखा चुके हैं, हमारे दोस्त हमारे बाहर वेट कर रहे हैं, तो वहाँ चलते हैं सीधा, ठीक है। गुड लक, टाटा।